पाटड़ी में रेल विद्युतीकरण खातमुहूर्त कर तेरे पाटड़ी और खारागोड़ा सुधी रेल विद्युतीकरण हेठ रेलवे शुरू कर रेलवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर शरद हस्ते भूमिपूजन कर मीठा उत्पादन बाद ट्रांसपोर्टेशन सरल रहे रेलवे की सुविधा शुरू थे पाटड़ी पंथक में आनंद व्याप्यो अंदाजे 9 महीना जटा समय में काम कर मालगाड़ी बाद पेसेंजर ट्रेन प्रोजेक्ट हाथ धरवा। तो अमारी साथे हाल संवाददाता शनि जोड़ाई गया छे। जी शनि, जे प्रमाणे पाटड़ी रेल विद्युतीकरण नु खातमुहूर्त करवामां आव्युं छे, हाल शुं छे विगते माहिती? वळी પાછું પુનઃસ્થાપિત કરાઈ છે। લોકોની માંગ હતી કે અહીં ટ્રેનની સુવિધા શરૂ કરાય, ખાસ કરીને જણાવવામાં આવે તો અહીં પાટડી પંથકમાં મીઠા ઉદ્યોગનું મબલક પ્રમાણમાં અહીં જાવક હોય છે, જેથી અહીં માલવાહક તરીકે ટ્રેન શરૂ કરવાની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એક પુનઃસ્થાપિત થાય ટ્રેનની સુવિધા તેવો એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। જી જી શનિ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। तो पाटड़ी में रेल विद्युतीकरण खातमुहूर्त कर पाटड़ी और खारागोड़ा सुधी रेल विद्युतीकरण हेठ रेलवे शुरू कर। ये रेल विद्युतीकरण का टेंडर अभी अवार्ड हुआ है, झुंड पाटड़ी खारागोड़ा सेक्शन करीब 26 किलोमीटर का है। यहाँ पे नमक की लोडिंग होती है और रेल विद्युतीकरण का कार्य होने के बाद में यहाँ पे ज़्यादा मालगाड़ियाँ, ज़्यादा तेज़ गति से ज़्यादा भारी गाड़ियाँ चल सकेंगी। ये करीब 26 किलोमीटर का सेक्शन है जिसका कि टेंडर के हिसाब से कंप्लीशन पीरियड 9 महीने का है और हमें उम्मीद है कि हम उससे पहले ही इसी फाइनेंशियल ईयर में इस कार्य को पूरा करके संपन्न कर देंगे। इसी सेक्शन में बीरमगाम से लेकर के झुंड और ध्रांगधरा से होते हुए सामाख्याली का काम भी दूसरे टेंडर में तेज़ी से चल रहा है, जिसमें के वीरमगाम से लेके ध्रांगधरा का काम करीब जनवरी में पूरा होने की संभावना है। इसी सेक्शन में रेल के दोहरीकरण का काम भी चल रहा है, तो आगे का काम जो है दोहरीकरण के साथ साथ किया जाएगा। द्वारका जिला में खेडूतों माटे राहत